जिला बिलासपुर के स्वारघाट बैरियर पर बिना टैक्स चुकाए वोल्वो गाड़ियों पर सिकंजा कसा जा रहा है। चेकिंग के दौरान मौके पर तैनात आरटीओ बैरियर प्रभारी विद्या देवी ने 3 गाड़ियों को बॉन्ड किया और बिना टैक्स चुकाए हिमाचल में प्रवेश करने वाली बसों की चेकिंग भी की। हालांकि इससे जहां पर प्रदेश सरकार को लाखों रुपए का चूना लगता है, वहीं पर ये वॉल्वो बस चालक बिना टैक्स दिए हिमाचल से रफू चक्कर होने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से स्वारघाट आरटीओ वैरियर पर नाका लगाकर कार्रवाई की जा रही है, उससे जहां पर प्रदेश का राजस्व बचा है, वहीं पर इन बिना टैक्स चुकाए गाड़ियों पर कार्रवाई भी की जा रही है। वैरियर की प्रभारी विद्या देवी ने बताया कि जब बैरियर लगाया हुआ था तो बसों की चेकिंग की जा रही थी, उसमें से 3 बसों को बिना टैक्स दिए जाना पाया गया। हालांकि एक बस तो 31,000 का जुर्माना करके छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि आगे भी यही कार्रवाई जारी रहेगी ताकि इस तरह से अवैध रूप से हिमाचल में प्रवेश कर रही इन बसों पर सिकंजा कसा जा सके। उनके कईयों के चलान किए, बाकी 3 गाड़ियों को मैंने बाउंड कर लिया था, उसमें से एक को छोड़ दिया, उसको 35,000 का जुर्माना किया और 2 गाड़ियां जब्त की।